जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जब से अखबार में आया है कल के आप लोगों की जो भर्ती है इस पर रेट लग गई है, कोर्ट ने जवाब मांगा है भर्ती बोर्ड से और सरकार से कि आपने 3 साल की छूट दी है और याचिकाएं जो है उन्होंने 5 साल की छूट का मांग की है कि 2018 से लेकर 2023 चल रही है, 5 साल से भर्ती नहीं निकली है तो आपने 3 साल की छूट दी है, इस छूट को 5 साल की देना चाहिए था। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे आपके डाउट आ रहे हैं और काफ़ी सारे भाई बहन हमसे जानना चाहते हैं क्या इस भर्ती में अब होगा, क्या पेज फंसने वाला है, क्या भर्ती जो है लेट होने वाली है, क्या इसमें जो है अब 5 साल की छूट दी जाएगी, क्या भर्ती लटक जाएगी, कोर्ट में पहुंच गई, बहुत सारे एकदम डाउट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपके बीच में वीडियो लेकर, वीडियो में बने रहिए, पहले मैं आपको दिखाता अखबार की कटिंग, फिर आपका सारा विश्लेषण करके आपको जो है सही और सटीक जानकारी देने में मैं महत्वपूर्ण योगदान करूंगा, क्योंकि आपको जो है हम चाहते हैं कि सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचे ताकि मेरे भाई बहनों का इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, पहले आप लोग देखिए कटिंग, अखबार की कटिंग में क्लियर क्या दे रखा है। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हाई कोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा में छूट के मामले में जवाब तलब किया है। किससे? सरकार से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्ष 2023 की उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पदों की भर्ती को लेकर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या ने जयप्रकाश व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडे को सुनाकर दिया है। याचिका के अनुसार 60,244 पदों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है, जबकि यह भर्ती 5 वर्ष बाद निकली है। बस सीधा सीधा मामला ये है कि भर्ती में 5 साल की छूट की यहाँ पर मांग की जा रही है। आप देख सकते हैं बिजनौर के गांव में 2 राज्यों का सीमांकन करने निर्देश, ये तो अलग हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बिल्कुल फैसला सुनाया गया है। अब ये कटिंग और दिखाता हूँ आपको, एक ये देखिए, कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा छूट मामले में जवाब तलब है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्ष 2023 की उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के 60,244 पदों पर लेकर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से मांगा जवाब। वही बात है ये भी, तो आप देख रहे हैं दोस्तों, तो पेज यहाँ पर फंस सकता है। तो आप लोगों ने अखबार की कटिंग देख ली है, दो दो अखबारों में छपा है, सब में यही छपा है कि आप लोगों का जो है छूट 5 साल की होनी चाहिए थी। तो इसको देखकर सबको लग रहा है कि पेज फंसने वाला है। पेज देखिए क्या फंसेगा पेज, इसमें आपकी भर्ती प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ये है, क्योंकि कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली कोई भी बात इसमें नहीं की है। दूसरी, यदि आयु सीमा की जो बात है तो 3 साल की ऑलरेडी सरकार दे चुकी है। कोरोना काल में भी एसएससी जीडी की भर्ती हो, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की भर्ती हो, सीआरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती हो, जितनी भी चाहे ट्रेड्स की भर्ती हुई है, चाहे हेड कांस्टेबल की भर्ती है, जीडी की या दिल्ली पुलिस, जितनी भी वैकेंसी की हम बात कर लें, तो सब में जो है 3 साल की ही अधिकतम छूट दी गई है कोरोना काल की वजह से। तो यहाँ पर आपकी जो डेट है वो आगे नहीं बढ़ेगी और आपकी 16 तारीख ही फॉर्म डालने की लास्ट डेट होगी, 18 तारीख करेक्शन की होगी, 2 दिन आपको करेक्शन के मिल रहे हैं। किसी के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में कोई भी अगर मिस्टेक है तो आप उसको सही कर सकते हैं, एड्रेस में कोई गलती है। इसके बाद में आप लोगों का एग्जाम 18 फरवरी को ही होना है। बिल्कुल किसी के कहने में, बहकावे में बिल्कुल आने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि आपको लेना है हर हालत में सिलेक्शन। तो दोस्तों, आपकी जो है आयु सीमा में छूट जो है जितनी मिलनी थी मिल चुकी है, अब इसमें कुछ नहीं होने वाला है, इस रेट से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, अपनी तैयारी को मन लगाकर करते रहिए। इस 18 फरवरी को अपना कहते हैं ना जैसे आजादी का, तो अपनी आजादी का दिवस मान के चलिए। इतनी मेहनत कीजिए जैसे हमारे देश के वीर जवानों ने जो है देश को आजाद कराने के लिए मेहनत की थी, तो आप अपनी एक सीट को आजाद कराने के लिए इतनी मेहनत कीजिए शिद्दत से कि आपको कोई दुनिया की ताकत रोक ना सके, कोई टोक ना सके और आपको हर हालत में सिलेक्शन तक ले जाए। 18 फरवरी आपका एग्जाम पार, ठीक है दोस्तों। मिलता हूं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।